हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नंदिनी और आज मैं बनाने लगी सूखे मटर। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने लगी मसाला सूखा मटर। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। मैं आपसे बोलूँगी कि आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं रेसिपी बनाने। सूखे मटर बनाने के लिए हम लोग लेंगे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मटर, हरी मिर्च और धनिया। मैंने पानी को रख दिया उबलने के लिए। हम लोग के पानी में उबाल आ चुका है। अभी मैं इसमें मटर को डाल दूंगी उबलने के लिए। इसको हम लोग करीब 3-4 मिनट उबाल लेंगे। हम लोग का मटर उबल चुका है। अभी मैं इसको बाहर निकाल लूंगी। हम लोग का कढ़ाई गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें तेल को डाल दूंगी। हम लोग का तेल गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें हरी मिर्च को डाल दूंगी भुनने के लिए। मिर्च भुन चुका है। अभी मैं इसमें धनिया पाउडर को डाल दूंगी, लाल मिर्च पाउडर को डाल दूंगी, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इन सब चीजों को मिला के हम लोग भुन लेंगे। इनको आपको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, इनको बस आपको कुछ सेकेंड चला के भुन लेना है। अभी मैं इसमें उबले हुए मटर को डाल दूंगी और इसको चला के भुन लेंगे। तो मैं मीडियम फ्लेम पे भुन रही हूँ। इसको आपको थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे चला के भुन लेना है। अभी इसमें हम लोग आमचूर पाउडर को डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और इसको चला के भून लेंगे। गरम मसाला डालने के बाद आपको इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपको 25-30 सेकेंड तक चला के भून के उतार देना है। हम लोग के मसाले और मटर भून चुके हैं। अभी मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दूंगी और इसको चला लूंगी। हम लोग के मटर भुन चुके हैं। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, मेरा टेस्टी सा सूखा मटर बनके तैयार हो चुका है। मैं आपसे बोलूंगी कि आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो पे कमेंट करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स।